के संजय कॉलोनी के पास कूड़े का ढेर लगा है। दिल्ली आवासीय परिसर के सामने लगा कूड़े का ढेर, यहाँ रहते हैं दिल्ली की सरकार के तमाम अधिकारी और कर्मचारी। कूड़े को लेकर निगम प्रशासन भी सोचता है, दुर्गंध से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं जनप्रतिनिधि, वोट लेने के बाद समस्या का समाधान तक नहीं करते। तो कूड़े से कब निजात मिलेगा लोगों को, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीधे तौर पर कूड़े से जो दुर्गंध उठती है उसका किसी को फिक्र नहीं है। और यहाँ तमाम अधिकारी कर्मचारी पहुँचते हैं, लेकिन किसी को इस तरफ ध्यान देने की जहमत नहीं उठा रही। फिलहाल दिल्ली आवासीय परिसर के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीर देखकर कि कितनी परेशानी यहाँ रहने वाले लोगों को होती होगी। कर रहे हैं ये अपने आप में ही पूरा डिपार्टमेंट ही लापरवाह है, जिसमें कि दिल्ली सरकार की भी भूमिका है और एमसीडी की पूरी भूमिका है, ठीक है ना। और स्थानीय जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर होते हैं वो उन प्रॉपर अपना कार्य नहीं करते हैं। और आप पीछे देखिए, हम गाय कहते हैं, गाय माता, आए दिन हम इस बारे में झगड़ा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देख लीजिए पीछे पूरे गाय तिमारपुर में तो नहीं है ही नहीं, गवर्नमेंट फ्रंट में ये अलॉटेड है ही नहीं, ये बाहर से गाय आती है। कर रहे हैं ये अपने आप में ही पूरा डिपार्टमेंट ही लापरवाह है, जिसमें कि दिल्ली सरकार की भी भूमिका है और